राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपके ऊपर बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर आज फिर हाजिर हो गई हूँ और आज मैं आपको ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको ग्रहण के समय पर करना है। आप सभी लोगों को पता है कि 21 जून को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण और 6 ग्रह जो है वो इस समय वक्री चलेंगे। ये संयोग जो है वो बहुत सालों के बाद आया है और आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है और ग्रहण का समय चल रहा है, तो यहाँ पर जो है गतिविधियां जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत परेशानी जो है वो आने वाली है। जिनकी भी पत्रिकाओं में ग्रहण है उसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ और आपको सब बता चुकी हूँ कि सूर्य ग्रहण पर किस किस लोगों को रहना है सावधान। लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे, आज हम ये बात करेंगे कि आपको ग्रहण के समय पर क्या कार्य आपको ऐसा करना है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाए, आपके सारे रोग जो है वो कटने शुरू हो जाए, आपके जीवन में चमत्कार जो है वो आना शुरू हो जाए, आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाए और ये कोरोना रूपी जो बीमारी जो ड्रैगन है, कोरोना रूपी ड्रैगन जो है वो आपको छू भी ना पाए। तो कौन सा करना है आपको ये उपाय? आपको जैसे कि आपको पता है कि 10:30 बजे के बाद ग्रहण काल जो है वो शुरू होगा, तो आपको ये उस टाइम पीरियड पे ग्रहण के समय पर आपको जो है भोजन नहीं करना है। आपको सभी को पता होता है हमें इस टाइम पीरियड पे जल का ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो कर ही सकते हैं। बाकी बच्चों और बूढ़े व्यक्तियों पर ऐसा कोई रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसा क्या काम करना है? पहला आपको मैं कार्य बता रही हूँ, साथ में आपको उपाय बताऊंगी। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक महामृत्युंजय की माला, महामृत्युंजय की माला आपने एक जाप जो है उसका जरूर करना है। एक जाप महामृत्युंजय की माला का आपने करना है और आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पर जो है बहुत से लोग जिनको सिद्धियां जो लोग करते हैं, ये सिद्धियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। और आप सभी को पता है कि मैंने महाकाली की सिद्धि कर रखी है और गुरुजी ने भैरव बाबा की सिद्धि कर रखी है, तो हम लोग भी उस टाइम पीरियड पे जो हमारे गुरुओं से हमें सिद्धियां, जो हमारे गुरुओं से हमें ज्ञान मिला हुआ है उसका साक्षात्कार करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपने महामृत्युंजय की एक माला अपने पूरे परिवार के लिए आपने जो है उसका जाप करना है। महामृत्युंजय की एक माला आपने जाप करना है और कोई भी आसन, साफ सुथरा आसन बिछाकर आप बैठ जाइए और जो है वहां पर आपने जो है आसन बिछाकर बैठने के बाद शांत मन से कुछ भी अपने मन में आपने कोई विचार नहीं लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ ये विचार लेके आना है कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं ये जो माला आज करने जा रही हूँ, क्योंकि 3 मालाएं आपको करनी है, हे परम पिता परमेश्वर जो ये माला मैं करने जा रही हूँ इसका जो इसका फल है वो मेरे पूरे परिवार को मिले। अगर पूरा परिवार नहीं करता है तो आप अकेले भी अपने पूरे परिवार के लिए कर सकते हैं। तो एक माला आपको महामृत्युंजय जाप की करनी है, एक माला आपको गायत्री मंत्र की करनी है। जिन लोगों को नहीं पता है महामृत्युंजय, वो लोग जो है महामृत्युंजय का जाप जो है आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा जाप का पूरा विधि विधान आपको आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल से भी। गायत्री मंत्र की आपको एक माला जरूर करनी है। गायत्री मंत्र करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी की जो है आपको वैभव देती है और घर में पैसों की बचत आती है और घर में जो है इनकम के आपके रास्ते खुलते हैं। और साथ में आपने माँ लक्ष्मी का एक बीज मंत्र, जो कि मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, अगर आपने वो एक माला कर लिया तो आपकी लाइफ में जो ड्रामेटिक चेंज आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो पहला काम आपने क्या किया कि आपने एक महामृत्युंजय की एक जाप की एक माला की, दूसरा आपने गायत्री मंत्र के जाप की एक माला की, तीसरा आपने जो मैं आपको लक्ष्मी माता का जो एक मंत्र देने जा रही हूँ वो भी आपने जो है बोलना है। लेकिन उसके लिए उससे पहले आपने एक गिलास पानी रखना है और साथ में आपने जो है थोड़ी सी मिश्री अपने साथ में जरूर रखनी है, थोड़ी सी मिश्री के आपने दाने जो है अपने साथ में जरूर रखने हैं। और साथ में आपने कुछ कमल गट्टे जो है वो भी आपने अपने साथ में जरूर रखने हैं। एक गुलाब का अगर फूल आपको मिल जाता है तो वो भी आपने उसमें रख लेना है। चांदी की कटोरी अगर आपको मिलती है तो उसमें सारा सामान जो है वो डाल लीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी प्लास्टिक कटोरी में, किसी कांच की कटोरी में सामान रख लीजिए। और उसके बाद आपने जो मंत्र पढ़ना है,
वो आपने जो मंत्र पढ़ना है ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और एक और जाप मैं आपको बताने जा रही हूं जो आप कर सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। ये जाप जो है मैं भी करती हूँ और मैंने बहुत सारे अपने लोगों को करवाया भी है जाप और उनको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो दोनों में से कोई भी जाप आप लोग कर सकते हैं और ये जाप करते ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार आना शुरू हो गया। चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे और ये जो मैंने आपको जो ये उपाय बताया है आप देखेंगे कि इस ग्रहण काल पर किया हुआ आपका ये उपाय आपको सारी जिंदगी के लिए जो है आपको कितने अच्छे इसके फल मिलेंगे। और जो वो कटोरी में जो सामान रखा था आपने उसे आपने किसी मलमल के कपड़े में, सफेद रंग के मलमल के कपड़े में आपने वो जो है उसकी एक पोटली बना लेनी है और उसे लपेट कर या तो अपने पर्स में रख लीजिए या फिर इसे अपनी लॉकर में रख दीजिए। अगर आप कोई दुकान वगैरह, कोई आपका शोरूम है, कोई दुकान है तो आप वहां पर जाकर इसे जो है उसके गले में भी आप रख सकते हैं। तो कीजिए महा उपाय और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा करते ही। और बहुत श्रद्धा भावना से आपने ये जो है ये उपाय करना है, ये तीन माला का जाप करना है, पहला मां मृत्युंजय की, दूसरा गायत्री मंत्र की और तीसरा जो मैंने आपको ये जाप बताया है लक्ष्मी माता का, वो आपने जो है करना है। या आप कोई और बीज मंत्र यूज करते हैं तो उसका कर लीजिए, साथ में आपने मिश्री और कमल गट्टे और आपने जो है गुलाब का फूल की कुछ पंखड़ियां वो जरूर रखनी है और उसे अपने जो है बाद में करने के बाद आप उसे पर्स में रख सकते हैं। जो लोग महामृत्युंजय की माला का जाप करेंगे और जब वो शुरू करेंगे तो तभी आप ये सामान जो है रखकर अपने पास में बैठ सकते हैं। और दर्शकों अगर उसके बाद, अगर ग्रहण काल के बाद अगर आप महालक्ष्मी की माला का जाप, एक बीज मंत्र का जाप अगर आप उसको अगर 21 दिन तक कंटिन्यू भी करते हैं तो भी आपको बहुत 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 अच्छे फल स्थायी रूप से मिलने शुरू हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार आपको दिखना जो है वो शुरू हो जाएगा। और कीजिए महा उपाय। और दर्शकों अगर मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग रोज 3 बजे आपसे ईश्वर टीवी के माध्यम, हम लोग रोज 3 बजे आपसे यूट्यूब पे और फेसबुक पे मिलते हैं, 10:30 बजे ईश्वर टीवी पर और 11 बजे साधना टीवी पे भी मिलते हैं। तो आप लोग हमें देखना ना भूलें और अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे मंच के माध्यम से लाइव सेशन के दौरान हमसे पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, फिर आपसे किसी और प्रोग्राम के माध्यम से मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।